hello good morning all of you today we will discuss about a new chapter is simple machine simple machine हमने सिंपल मशीन को क्यों डिजाइन किया है क्यों बनाया है सिंपल सा कंसेप्ट है हमने कोई भी ह्यूमन ने कोई भी मशीन डिजाइन की है क्यों डिजाइन किया है अपना वर्क को एजिया करने के लिए तो मशीन बेसिकली क्या है एक डिवाइस है जो कि मेन का जो भी पीपल्स हैं उनके वर्क को क्या कहता है आसान बनाता है और जब भी कोई भी वर्क होता है ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इंटरनल रजिस्टेंसेस का तो रोल रहता ही है तो मशीन के बारे में हम कैसे डिफाइन कहते हैं सिंपल अगर सिंप, सिर्फ मशीन को डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलते हैं मशीन इज डिवाइस विच हेल्प्स टू वर्क बाय फोर्स इज नॉन एज मशीन इफ वी डिफाइन अ सिंपल मशीन दोनों का मीनिंग एक ही है बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करते हैं वॉट इज डेफिनेशन ऑफ सिंपल मशीन डेफिनेशन मीन डेफिनेशन डेफिनेशन कर लेंगे इट इज अ इट इज अ डिवाइस इट इज अ डिवाइस वाई विच वाई विच वी कैन ओवरकम विच वी कैन ओवरकम ओवरकम अ रजिस्टेंसेस ओवरकम रजिस्टेंसेस और रजिस्टेंस को कम कहते हैं और किसको बढ़ाते हैं स्पीड और गेन स्पीड और गेन स्पीड कैसे ऐसा गेन स्पीड गेन कैसे कहते हैं ऑब्वियसली कुछ हम पर्टिकुलर क्या कर रहे होंगे एफर्ट रहे होंगे वाई अप्लाइंग वाई अप्लाइंग अब जो हम एफर्ट लगाते हैं बेसिकली कम एफर्ट में ज़्यादा वर्क कर लेते हैं मशीन मशीन का हमने क्यों डिज़ाइन किया इसी रीजन से डिजाइन किया तो कि हमें हम कम वर्क हमें एफर्ट जो है वो हम कम अप्लाई करें मशीन पर और हमें आउटपुट ज़्यादा मिल जाए तो तभी तो मशीन से हमें कोई सी भी वर्क को सिंपली वे में वर्क कर सकते हैं अदरवाइज तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे डायरेक्टली भी वर्क कर सकते थे लेस एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट मिलना है ना तो वाई अप्लाइंग कम्पेटिवली लेस एफर्ट वाई अप्लाइंग comparatively less या yeah, small less effort, less effort at जो एफर्ट अप्लाई कहते हैं एट समीनियंट पॉइंट कन्वीनियंट पॉइंट एट सम कन्वीनियंट पॉइंट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड स्पेसिफिक स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज नोन एज सिंपल मशीन सिंपल मशीन के अगर हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करें यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो क्या यूजेस होते हैं क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं तो कोई भी मशीन है वो मशीन ऑब्वियसली फंक्शन तो कुछ ना कुछ वो फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा और उसके यूजेस क्या होते हैं देखते हैं नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ फंक्शन एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन फंक्शन एंड फंक्शन एंड यूजेस यूजेस ऑफ सिंपल मशीन function and uses of sample machine machine perform ma machine perform a following function machine a machine a machine performs a machine performs performs following function following function machine perform following function and they are useful and they are useful they are useful to us for following 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 two ways, two ways. First is जब मशीन से कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं और किस तरह यूजफुल होते हैं कम फोर्स अप्लाई करने पर हमें जो आउटपुट है वो क्या मिलता है ज्यादा कम फोर्स अप्लाई करने पर ज्यादा आउटपुट ज्यादा आउटपुट मिलता है तो हम क्या बोलते हैं उसको लिफ्टिंग हैवी लोड वाई एप्लिंग a lifting a lifting a heavy load or lifting a heavy load why applying why applying why applying to why applying a less a less effort a less effort और लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट एग्जांपल अगर हम एग्जांपल बता ऐसा अ जैक लिफ्ट अ हैवी कार अ जैक जो हाइड्रोलिक जैक होते हैं है ना आपने देखा होगा हमारी कोई भी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है उस केस में हम कार को वो जैक के थ्रू इजीली लिफ्ट कर लेते हैं है ना तो ये जैक है वो क्या एक सिंपल मशीन है ना तो जैक 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 इज लिफ्टेड, लिफ्टेड, हैवी कार या कोई भी बस, भी बस, है ना? जितने जैक होते हैं जो जैक होते हैं वो किसी भी हैवी कार या बस को इजीली लिफ्ट कर लेते हैं इजीली लिफ्ट कर लेते हैं तो कोई भी कोई भी ऐसी मशीन जिससे हम कम एफर्ट से और कोई सी भी हैवी, हैवी लोड uh, को लिफ्ट कर पा रहे हैं लेस एफर्ट से हैवी लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स वो हमारे लिए हमारे लिए कैसे काम करेगी मशीन की तरह और एक अच्छी मशीन का है ना क्योंकि लेस एफर्ट से हमें ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है तो वो एक अच्छी मशीन बोली जाएगी और जो हम एफर्ट लगाते हैं जैसे एफर्ट लगाते हैं वो एफर्ट कन्वीनियंट डायरेक्शन पर अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है जैसे एग्जाम्पल लिफ्ट अब लिफ्ट हैवी लोड अब कोई भी बेंड बाद है लोड है, कोई भी हैवी लोड को किसी बेंड बाद से हम लिफ्ट कर रहे हैं तो उसको कै, कैसे लिफ्ट कर रहे हैं जैसे एक सिंपल डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं जैसे एक डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं सपोज दैट ये कोई रोड है सपोज दैट ये कोई रोड है इस यहां पर कोई भी सपोज दैट कर लिया एक कोई भी हैवी लोड रखा हुआ है इसको बेंट बार की हेल्प से यहां पर कोई भी हमने बार प्लेस किया अब यहां पर हम एफर्ट लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाया एफर्ट तो ये क्या होगा ये बॉल है जो हैवी लोड है वो आंखी की तरह डिस्प्लेस होगा है ना तो इसको बोलते हैं बेंड बार अब हम एफर्ट कैसे लगा रहे हैं ऐसे लगा रहे हैं ऐसे लगा रहे हैं कन्वीनियंट डायरेक्शन डायरेक्शन बहुत जरूरी है डायरेक्शन बहुत जरूरी है ताकि हम इसको इस हैवी लोड को इजीली लिफ्ट कर लें है ना तो सेकंड पॉइंट सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें वो क्या पॉइंट है सेकंड पॉइंट इज second point is point number 2 point number 2 point number 2 in changing in changing in changing the direction in changing the direction in changing the direction in convenient in changing the direction in changing the Direction of effort of effort inconvenient direction of effort of effort in convenient direction. In convenient, inconvenient direction inconvenient inconvenient direction inconvenient direction एग्जाम्पल सपोज दैट वी लिफ्ट अ वाटर बकेट फ्रॉम बेल फ्रॉम बेल सपोज दैट अगर हम किसी भी बेल से कोई भी एक हैवी कोई भी एक बॉल को किसी भी एक भरी हुई बकेट्स को हम उससे बाहर निकाल लें तो देखो डायरेक्ट भी बाहर निकाल सपोज दैट ये मान लिया ये हमारा एक बेल है ना सिंपल सिंपली हमारा बैल है ये सरफेस है यहाँ पर कुछ वाटरफेल है अब यहाँ पर देखो जब हम किसी भी रोप के हेल्प से यहाँ पर एक बकेट बना लेते हैं इस बकेट में वाटर फेल है इसको देखो हम एक तो डायरेक्टली भी लिफ्ट कर सकते हैं डायरेक्ट है इस तरीके से लिफ्ट करें डायरेक्ट अगर इस तरीके से लिफ्ट करेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी अपवर्ड डायरेक्शन क्या होगी वो अपवर्ड होगी लेकिन सपोज दैट हम बेल से कोई भी वाटर को बाहर निकाल लें हम वाटर को बाहर निकाल लें और हम यहां पर यूज कर लेते हैं पुली का किसका यूज कर लेते हैं पुली है ना तो पुली जो होती है वो अपने पोजीशन पर रोटेड रोटेड होती है तो इस केस में अगर यहां से ये पर्सन इसको अगर लिफ्ट करेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी डाउनवर्ड तो देखो यहाँ पर किस केस में वाटर को लिफ्ट करना आसान होगा इस तरीके से लिफ्ट करेंगे तो कुछ टाइम बाद हमें ऐसा लगेगा कि हमारी बैक और ये सब पेन कर रहा है ना लेकिन सपोज दैट हम इस तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं इस तरीके से लिफ्ट करने में क्या होगा तो हमें पूरे अपने शोल्डर्स का ये पूरा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन ऐसे लिफ्ट करने में इस तरीके से लिफ्ट करने में हम अपना वेट की भी हेल्प ले सकते हैं ऐसे लिफ्ट करने में दो पकड़ के आप उस पर टंग सकते हैं तो इसीलिए ऑब्बियसली लिफ्ट हो जाएगी है ना तो यहाँ से देखो डायरेक्शन से इस पुलिस से इस इस मशीन ने डायरेक्शन चेंज करके हमारा हमारा जो वर्क था वो कितना आसान बना दिया तो ये बेसिकली मशीन के क्या होते हैं फंक्शंस है ना और उसके किस तरीके से यूजफुल है ये ऐसे एग्जांपल में बहुत अच्छे समझ सकते हैं ना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो है ना आपको पता चला किसी बॉक्स को डिस्प्लेस uh, करना है किसी बॉक्स को डिस्प्लेस कहना है अब आपको ऊपर से अगर उसमें फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो डिस्प्लेस होगा क्या नहीं होगा अगर थोड़े से ऐसे फोर्स लगाएंगे नहीं होगा तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है अगर पर्टिकुलर ऐसे 90 डिग्री से फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना है तो वो कम फोर्स में डिस्प्लेस हो सकता है है ना अगर ऊपर से फोर्स लगाओ तो हो सकता है वो डिस्प्लेस ही ना हो है ना तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा है ना डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो जब हम वर्क कहते हैं तो so एफर्ट होता है एफर्ट तो हम लगाते हैं एफर्ट हम करेंगे फिर हमें आउटपुट मिलता है तो बेसिकली ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, क्या पढ़ते हैं बेटा क्लासिफिकेशन, तो अभी हमने क्या देखा डेफिनेशन ऑफ सिंपल मशीन एंड एंड फंक्शन एंड उसके यूजेस तो डेफिनेशन ऑफ सिंपल मशीन क्या था फिर से एक बार देखो हम रिपीट कर लेते हैं हमने क्या बोला था हमने बोला था ये एक डिवाइस होती है जिससे हम रेजिस्टेंस को ओवरकम कहते हैं स्पीड को गेन कहते हैं कैसे गेन कहते हैं लेस एफर्ट लगा के मशीन का मीनिंग ये कम एफर्ट लगा के हमें ऑब्बियसली ज्यादा स्पीड गेन कर रहे हैं ज्यादा आउटपुट मिल रहा है और जो फोर्स लगा रहे हैं है ना जो लेस फोर्स अप्लाई हुआ है वो पर्टिकुलर डिवाइस बाय विच वी कैन ओवरकम रेजिस्टेंस और गेन स्पीड और गेन स्पीड बाई अप्लाइंगली लेस एफर्ट एट कन्वीनियंट पॉइंट एंड डिजायर डायरेक्शन इज नॉन ए सिंपल मशीन उसके यूज फर्स्ट यूज यूजेस फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट क्या था अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन डिजायर डायरेक्शन अगर हम डायरेक्शन चेंज कहते हैं उसके हेल्प से भी हम अपने अपने वर्क को इजीअल कर, कर सकते हैं इजी बना सकते हैं हम नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन 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 तो मशीन को बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन मशीन को बेसिकली कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट में फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट पार्ट इज लीवर एंड सेकेंड पार्ट इज First part is lever. Second part is inclined plane. Inclined plane. Lever also categorized into a two way. First is pulley or second is wheel and axle. Pulley. Or second is wheel. Wheel and axle. Or inclined plane also divided into two parts: wedge and screw. Wedge. एंड स्क्रू तो क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन मशीन बेसिकली कैटेगराइज इनटू अ टू पार्ट्स लीवर एंड इंक्लाइन प्लेन और लीवर आल्सो डिवाइड इन टू पार्ट पुली एंड व्हील एंड एक्शल पुली एंड व्हील एंड एक्शल इंक्लाइन प्लेन आल्सो डिवाइड इन टू पार्ट वेज एंड स्क्रू वेज एंड स्क्रू अब मशीन में ये तो क्लासिफिकेशन की बात हो गई मशीन में जब भी हमें सपोज दैट कुछ भी वर्क का उससे चाहिए तो हमें एफर्ट करने पड़ते हैं एफर्ट का क्या मीनिंग होता है उससे जो आउटपुट मिलता है उसका क्या मीनिंग होता है तो जो एफर्ट हम लगाते हैं उसको मशीन के टर्म्स में बोलते हैं इनपुट तो वर्ड इज़ इनपुट और वर्ड इज ऑनपु आउटपुट तो नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट इज़ इनपुट एंड आउटपुट अब इनपुट आउटपुट के बाद मशीन से हमें क्या एडवांटेज हुआ वो भी हम समझेंगे और मशीन से जो एडवांटेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस तो फर्स्ट हम देखते हैं इनपुट अब जो इनपुट है बेसिकली इनपुट कौन कहता है हम कहते हैं किस पर कहते हैं मशीन पर कहते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन है ना क्या डेफिनेशन है द एफर्ट ऑन द मशीन द एफर्ट द एफर्ट या द मशीन या द एफर्ट ऑन द मशीन

ऐसे ही लिख सकते हैं वर्क के टर्म में यहाँ पर भी वर्क लिख सकते हैं वर्क लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा सही होगा द वर्क ऑन द मशीन या द दर्क एफर्ट बोले या वर्क बोले वर्क बोलना ज्यादा अच्छा होगा द वर्क द वर्क ऑन द मशीन द वर्क ऑन द मशीन यहाँ आउटपुट में क्या होगा द वर्क डन द वर्क डन द वर्क डन बाय द मशीन द वर्क डन वर्क डन द वर्क डन वाई द मशीन मशीन से जो हमें वर्क डन मिल रहा है मशीन से जो भी हमें वर्क डन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं लोड द वर्क डन वाई द मशीन इज कॉल्ड लोड इज कॉल्ड लोड तो वर्क डन वर्क डन ऑन द मशीन जो मशीन पर वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इनपुट एंड वर्क डन बाय द मशीन का मीनिंग क्या होता है आउटपुट है ना अब मशीन से जब वो इनपुट आउटपुट किए तो हमें मशीन से कुछ एडवांटेज मशीन का यूज क्यों क्या मिलता है ऑब्वियसली मशीन से जब हम वर्क कर रहे हैं उससे जो आउटपुट मिल रहा है तो कुछ एडवांटेजेस होने चाहिए कम कम एफर्ट में हमें ज्यादा वहां से वर्क मिलना चाहिए लोड मिलना चाहिए लिफ्ट करना चाहिए मशीन को तो बेसिकली मशीन का आ, मशीन का जो एडवांटेज होता है मशीन से जो हमें एडवांटेज मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एडवांटेजेस मैकेनिकल एडवांटेजेस। तो आई थिंक आपको इन इनपुट और आउटपुट क्लियर हो गया होगा। इनपुट का मीनिंग क्या था डन ऑन द मशीन आउटपुट वर्क डन बाय द मशीन हम जो मशीन पर वर्क कर रहे हैं वो हमारा इनपुट हो जो हमें हमें मशीन से जो मशीन के द्वारा जो हमें वर्क मिल रहा है उसको हम बोलते हैं आउटपुट अब नाउ नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेजेस मैकेनिकल एडवांटेजेस मैकेनिकल एडवांटेजेस का मीनिंग क्या होता है सिंपल मीनिंग होता है ना ये एडवांटेज ही होता है मैकेनिकल एडवांटेज का मीनिंग क्या मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिकल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि हमें मशीन से हो रहा है, है ना मैकेनिक्स से मशीन में जो फंक्शन होता है वो तो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं तो मैकेनिकल बोलते हैं ना जब इंजीनियरिंग कहते हैं तो हम जो मशीन मशीन जो इंजीनियर्स होते हैं उनको मैकेनिकल मैंने मैकेनिकल इंजीनियर ही बोला जाता है तो मैकेनिकल एडवांटेजेस का मीनिंग होता है ये एडवांटेज होता है एडवांटेज गिवन बाय द मशीन क्या लिखेंगे हम एडवांटेजेस गिवन बाय द मशीन द एडवांटेजेस एडवांटेजेस गिवन वाय द मशीन गिवन वाय द मशीन एडवांटेज गिवन वाय द मशीन मशीन हमें एडवांटेज कब देगा जब ऑब्वियसली हम उस पर क्या क्या लगाएंगे एफर्ट लगाएंगे इन टर्म इन टर्म इन टर्म ऑफ एफर्ट इन टर्म ऑफ एफर्ट ऑफ मशीन एफर्ट ऑफ मशीन एंड एंड लिफ्ट लिफ्ट अ लोड वाइट लिफ्ट अ लोड लिफ्ट अ लोड वाई इट तो मशीन जो लोड लिफ्ट कर रहा है तो मैकेनिकल एडवांटेज का मीनिंग सिंपल मीनिंग होता है जब ये मैकेनिकल एडवांटेज का है कि एडवांटेजेस है जो हमें मशीन से मिल रहा है ना और जब हम एफर्ट लगाते हैं तो वहां से क्या मिलता है कोई भी हैवी लोड को लिफ्ट करता है अब मैकेनिकल एडवांटेज को हम कैसे कैलकुलेट करें मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा तो जितना हमने जैसे सपोज एफर्ट किया उतना ही हमें लोड लिफ्ट कर पा रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ कुछ नहीं हुआ बन ही समझ सकते हैं कुछ नहीं मिला हमें जीरो तो बोल नहीं सकते जितना एफर्ट किया उतना तो ही हमें लोड लिफ्ट कर पा रहे हैं मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है वन तो मैकेनिकल एडवांटेजेस का सिंपल फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज इन शॉर्ट कंट डिनोटेड बाय एम ए इज इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट लोड बाय एफर्ट अब लोड इसको एक और टर्म से डिफाइन कर सकते हैं सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया था बैंट बाद का इज लिफ्टेड हैवी बॉल या हैवी लोड हम जो किसी भी रॉड से किसी भी रॉड से, से किसी भी हैवी बॉल को जब लिफ्ट कहते हैं या उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो आपने लोड कहाँ रखा है लोड कहाँ प्लेस किया है एफर्ट कहाँ लगाए उस पर डिपेंड करता है जैसे सपोज दैट हम हमारे घर में जो डोर होते हैं डोर को क्लोज ओपन करने के लिए हैंडल हैंडल लगा होता है अब वो हैंडल गेट का आपने देखा होगा एक साइड तो हिंज रहता है जिस साइड डोर फिक्स होता है और सेकेंड साइड जहाँ से हम ओपन करते हैं उसके ऑब्बियसली एकदम लास्ट पर लगा होता है अगर उस हैंडल को हम सपोज दैट सेकेंड साइड डिस्प्लेस करें तो उस केस में आपको उस डोर को ओपन करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा तब वो डोर ओपन होगा तो जब हम एफर्ट आम की बात कहते हैं लोड आम की बात कहते हैं तो उसके टर्म्स में मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है हम उसको सिंपल वे में क्या बोलते हैं एडवांटेज, एमए मैकेडवांटेज एम ए इज इक्वल टू एफर्ट आम एफर्ट आम क्या है एफर्ट आम वाय लोड आम एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला we will solve a simple numericals we will discuss a simple numericals numerical is first numerical is suppose that suppose that this is a, a rod in which a rod is rotated about this point so this is known as fulcrum this is known as fulcrum

पोज दैट हंड्रेड न्यूट्रंस है अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाए क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड आउट द मैकेनिकल एडवांटेजेस फाइंड आउट मैकेनिकल 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 एडवांटेजेस फाइंड आउट मैकेनिकल एडवांटेजेस मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या है तो so, हम क्या लिखेंगे मैंड मैकेनिकल अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया अच्छा इस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है हमारे लिए जो गिवन डाटा है गिवन डाटा इज लोड लोड इज 400 न्यूटन एंड एफर्ट इज एफर्ट एफर्ट इज इक्वल टू 100 न्यूटन एफर्ट इज इक्वल टू 100 न्यूटन नाउ मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड एफर्ट लोड बाय एफर्ट तो मैकेनिकल एडवांटेजेस एम ए इज इक्वल टू लोड लोड कितना है बेटा 400 हंड्रेड न्यूटन नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लोड 400, हंड्रेड एफर्ट कितना है एफर्ट इज 100 न्यूटन तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया बेटा 4, मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 4 है इस मशीन ने जो मैकेनिकल एडवांटेज दिया है वो 4 आप देखो कि इसकी यूनिट न्यूटन थी इसकी भी यूनिट न्यूटन है तो so, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज कोई यूनिट नहीं होती ना इट हैज नो यूनिट हमें बस ये पता चलता है कि हमें कितना मैकेनिकल एडवांटेजेस हुआ एफर्ट हमने कितना किया और हमें लोड वो मशीन से जो लोड है वो कितना मिल गया हमें पता चलता है मैकेनिकल एडवांटेज मशीन का कितना कितने परसेंट है, सकते हैं तो फोर हंड्रेड परसेंट एफिशिएंट है हमारी ये मशीन अब कई क्वेश्चन इसको जो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था एफर डॉम एंड लो डॉम सपोज दैट ऐसे थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिर से रॉड ये कोई रोड है यहाँ पर ये हमने फलक्रम जिसके अबाउट ये रॉड क्या होगी रोटेड होगी मान लिया इसकी पोजीशन हम मान लेते हैं फलक्रम मान लें एफ मान लिया इस एंड को बोल रहे हैं ए इस एंड को बोल रहे हैं बी यहाँ पर कोई भी मान लिया एफर्ट है ये हमने एफर्ट किया है ये हमारा कोई लोड है ये क्या है कोई कोई भी लोड है है ना लोड है अपना अब हमने मान लिया आ, इस साइड थोड़ा सा थोड़ा चेंज कहते हैं थोड़ा सा चेंज कहते हैं अदरवाइज क्या होगा अपना ये मशीन अपने लिए एडवांटेजेस नहीं होगी तो यहाँ पर अब अभी थोड़ी देर पहले समझ में आएगा यहाँ पर हमने सपोज दैट प्लेस कर लिया लोड है उल्टा कहते हैं कहते हैं वो केस भी अभी समझा देता हूँ यहाँ पर हमने क्या किया एफर्ट ये कोई लोड है ये कोई भी लोड है ये अपना कोई एफर्ट ये एफर्ट 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 लगा लगा रहे रहे हैं हैं ये मैं डायरेक्ट एरो का साइन भी बना सकता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस करके बता रहा दू आपको और हमने मान लिया सपोज दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने सपोज दैट माना है टेन मीटर कितना है टेन मीटर टेन मीटर या सेंटीमीटर भी मान सकते हैं एज एजियो विश एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ थ्री माइनस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन में इतनी गिवन है तो हमसे क्या पूछेंगे फाइंड 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 द मैकेनिकल एडवांटेजेस फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेजेस तो इस क्वेश्चन को देखो हमें यहाँ पर लोड गिवन नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एफर्ट आर्म जो लोड आर्म हमने पढ़ा हुआ था उसका हेल्प लेंगे देखो एफर्ट यहाँ पर है तो एफर्ट आर्म क्या हो जाएगी यहां से यहां से जिसके फल कदम से जहां से हम लोड को लिफ्ट कर रहे हैं यहां से इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे एफर्ट आम एफर्ट आर्म ये एफर्ट आर्म होगा लोड आर्म क्या होगा ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे यहां से इस फल कदम से ये लोड का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा लोड आर्म लोड आर्म हम्म अब अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ जो गिवन डेटा है उस डेटा से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ कि लोड आम कितना है एफर्ट आम कितना है तो देखो लोड आम लोड आर्म इज इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा हमें लोड आर्म इज इक्वल टू टू मीटर एंड एफर्ड आम एफर्ट आम एफर्ट आर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा एफर्ड आम इज इक्वल टू टेन माइनस टू टेन माइनस टू इज इक्वल टू एट मीटर तो मैकेनिकल एडवांटेजेस ना फॉर्मूला लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेजेस इज इक्वल टू एफर्ट आम एफर्ट आम वाई लोड आम एफर्ट आम बाय लोड आम हम वैल्यू पुट अप करेंगे ना आफ्टर पुटिंग अ वैल्यू लोड एफर्ट आर्म इज इक्वल टू एट मीटर लोड आर्म इज इक्वल टू टू मीटर मीटर से मीटर आउट बिकॉज़ मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट तो नाउ आंसर इज फोर तो इन विच केस जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है वो फोर टाइम्स है अगर हम बोलेंगे कितने परसेंट इफिशियंट है अगर परसेंट की सेकंड सेकंड ये हमसे पूछे फाइंड आउट परसेंट परसेंटेज ऑफ इफिशियंसी ऑफ मशीन परसेंटेज ऑफ इफिशेंसी इफिशियंसी ऑफ मशीन इस मशीन की कितने परसेंट हमारे लिए एफिशिएंट है और कितने परसेंट हमें यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेजेस होगा देखो इस बात को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं हम क्या लिखेंगे मैकेनिकल एडवांटेजेस परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो फोर इन टू हंड्रेड परसेंट दैट मींस मैकेनिकल एडवांटेज इन परसेंटेज फोर हंड्रेड कितने परसेंटेज हमारे लिए मशीन एफिशेंट होगी फोर हंड्रेड ना? तो ये देखो सिंपल मशीन का सिंपल से टॉपिक्स थे जब हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था डेफिनेशन से फिर उसके बाद फ़ंक्शन फिर क्लासिफिकेशन इनपुट आउटपुट एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला ऑफ इन समस्ट क्लास वी डिस्कस क्लासिफिकेशन है ना लीवर एंड इनक्लाइन मशीन एक्सेप्ट आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल ऑफ यू